आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और आज टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम है, देश के अलग अलग सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है और स्टूडेंट्स पहुंचे हैं अपनी काबिलियत का इम्तिहान देने के लिए। तो चलिए, एक सेंटर पे मैं मौजूद हूं और यहां स्टूडेंट्स से जानेंगे कि आखिर उनका एग्ज़ाम कैसा गया और ये एग्ज़ाम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए, हम पहुँच चुके हैं और स्टूडेंट्स से जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है, उनका एग्ज़ाम कैसा गया उनसे जानते हैं। एग्ज़ाम खत्म हो गया, कैसा गया पेपर? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं टैलेंटेक्स के पेपर में? थोड़े टफ आते हैं और मेंटेबिलिटी के आते हैं, मैथ्स आते हैं, साइंस आते हैं। मैं मैथ्स के थोड़े टफ होते हैं और साइंस के थोड़े ईजी होते हैं। जनरली फिजिकल ऐसे मैथ्स। कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए? अटेम्प्ट तो मैंने जितना मेरे को आया उतना किया। 95% आ जाए। 40 क्वेश्चन। 64 सारे किए थे मैम। सारे किए ऑल? मैंने मैक्सिममली सारे किए मैम। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे। अच्छा, टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम आपको कैसे हेल्प करता है आपकी काबिलियत पहचानने को लेकर? मतलब टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम देने से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, जिससे आगे की पढ़ाई में आपको हेल्प मिलती है और आपको आपका सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प मिलती है। समझने के लिए आप कौन से सब्जेक्ट में कितना वीक हो और कैसे आपको मदद करता है ये एग्ज़ाम आपको? माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और साथ ही साथ अपन को बड़े पेपर्स के बारे में पता भी चलता है कि किस टाइप के पेपर्स आते हैं। इससे पता भी चल जाता है कि कितने मार्क्स, मतलब एलन में एलन में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और फिर एलन में आ भी सकते हो और पता चल जाता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो। मैम, इससे हम लोग की मैम जो मतलब हम लोग के गोल्स है वो अच्छे बढ़ेंगे और मैम हम लोग की मेंटलिटी जो है वो भी अच्छी होगी। हमारे जो मतलब स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं और हमारी लर्निंग को बढ़ाते हैं। देखिए, बच्चों के साथ साथ एग्ज़ाम तो बच्चों के माता पिता का भी होता है। बड़ी संख्या में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं और ऐसी एक मदर मेरे साथ है। मैम, टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम बच्चा देने गया, कैसा गया पेपर आपने पूछा? पेपर अच्छा गया और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा कि पेपर कितना अच्छा है या ख़राब है। बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव की भावना आती है, एक स्पिरिट आता है और ये बच्चों को ना रास्ता दिखाता है कि आगे हमें कैसे जाना है, कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जितना बच्चे पेपर सॉल्व करेंगे ना, उतना ही उनको उनका जो विजुलाइजेशन है वो पेपर को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, किस तरह से बच्चे पेपर को टैकल करते हैं वो, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। डेफिनेटली मैम, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिकली जानकारी कहाँ से मिली, किसने बताया आपको? देखिए, मेरा बच्चा तो एलन में पढ़ता है तो जैसे हम कोटा में आए तो टैलेंटेक्स हालांकि एलन के बाहर वाले बच्चे भी देते हैं तो ये अवेयरनेस तो आजकल सब पेरेंट्स में है। और हमसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों में ज़्यादा ये अवेयरनेस है। मेरी बेटी एग्ज़ाम देने आई है। देखिए, माता पिता का भी साथ में एग्ज़ाम होता है, कैसा बेटी का एग्ज़ाम गया और इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस आप कैसे समझते हैं, इस तरह के पेपर क्यों देने चाहिए बच्चों? नॉलेज डेवलप होती है और थोड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। निश्चित तौर पे आत्मविश्वास ज़रूर आता है बच्चों में। अच्छा सर, बच्चे को इस तरह के एग्ज़ाम क्यों देते रहना चाहिए? सर, ये इसलिए कही है कुछ इसको नॉलेज आ सके आगे पढ़ने के लिए। साथ ही साथ अब हम आपको मिलाते हैं पंकज अग्रवाल सर से। पंकज सर, आज बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को हमने देखा, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स देश भर में हमारे अलग अलग सेंटर्स पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं कहूँगी 85,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ ऑफलाइन बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सर, एग्ज़ाम बच्चों को कैसे हेल्प करता है और इसके पीछे आप लोगों का विज़न क्या है? देखिए, टैलेंटेक्स की शुरुआत जब हमने 2014 में की तभी हमारे डायरेक्टर्स का एक विज़न था कि मुझे इस एग्ज़ाम को इस लेवल पर बनाना है कि बच्चे 5th से 8th तक या 5th से 10th तक के बच्चे अपने इनिशियल फेज में ही अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाए, पेरेंट रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्या उनके शॉर्टफॉल्स हैं, क्या किस चीज़ में उनको ज़्यादा मेहनत करनी है और क्या उनमें क्षमताएं हैं जिन पर अगर वो फोकस करें तो देश में डेफिनेटली वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और उसी बात को लेकर हम पेपर डिज़ाइन करते हैं, हम बच्चों की मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, बच्चों का IQ चेक करते हैं और उसके बाद उनको जब हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एडवाइस करते हैं, बेटा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, काइंडली फोकस ऑन इट। सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने सुना है कि स्कॉलरशिप भी रखी गई है, रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। देखिए, ये एलन की प्रथा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट को मोटिवेट होना चाहिए, चाहे हमारा एलन चैम प्रोग्राम हो चाहे हमारे दूसरे प्रोग्राम हो। तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के थ्रू भी हम जो स्टूडेंट एलन क्लासरूम प्रोग्राम में नेक्स्ट ईयर हमसे किसी भी सेंटर पर जुड़ेंगे उनको मार्क्स बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसके अलावा हमारा एक जो प्रोग्राम है कि नेशनल रिवॉर्ड बेस्ड, तो जो स्टूडेंट टॉप करेंगे, जो टॉप 20 में होंगे उनके एक अलग रिवॉर्ड प्राइस है, चाहे वो एलन से जुड़े या न जुड़े, ये एलन की प्रथा है, तो हम उनको कैश रिवॉर्ड चेक के माध्यम से उनके अकाउंट में देंगे। हमने इस एग्ज़ाम का जो डिज़ाइन किया है, बेसिकली इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो पेपर है उसका जो सिलेबस है वो
अभी तक बच्चे ने इस क्लास में जो पढ़ा है उस सिलेबस से और इसके पिछली क्लास के क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारी टीम ने डिज़ाइन किया, एक बहुत ही बड़ी आरएनटी टीम ने इस पेपर के लिए बनाई गई है और उसी पेपर के आधार पर हम बच्चे का आईक्यू चेक करते हैं और उसके उसके उसकी क्या एबिलिटीज है उनको जज करते हैं। सर अगर मैं पहले की बात करूँ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाँचवीं क्लास का बच्चा, छठी क्लास का बच्चा किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने की सोचे, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, फिफ्थ क्लास के छोटे छोटे बच्चे सर इस एग्ज़ाम को देने पहुँचे हैं और उनको भी पता है कि हमें हमारे आई क्यू लेवल में हेल्प करेगा, हमें इस तरह के एग्ज़ाम से ये पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सर वाकई इस एग्ज़ाम के बारे में जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया और जो आपका विज़न है उसे लग रहा है कि निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प। मैम देखिए, हमारे डायरेक्टर का भी विज़न है कि देश में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो एलन उसको पढ़ाने में हेल्प करना चाहता है। पहले हम ठीक है सीनियर क्लासेस में थे, अब हम जूनियर क्लासेस में, और बच्चे की कोई भी देखिए, अब बच्चे का आईक्यू लेवल उसकी उसकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत मैटर कर रहा है। आप चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम देखें, चाहे नीट का एग्ज़ाम देखें, या हमारे कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम देखें, या क्लेट के एग्ज़ाम देखें, उन एग्ज़ाम में भी अब गवर्नमेंट का या एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी का फोकस ये रहा है कि रादर देन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ साथ पर्सनल उसका क्या कैपेबिलिटी है वो फोकस करें। तो हमारी टीम उसी हिसाब से पेपर डिज़ाइन करती है। डेफिनेटली जो बच्चा आप जहाँ फिफ्थ और सिक्स की बात करें तो अब स्कूल्स में या बच्चे अपने आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए फिफ्थ और सिक्स में भी आईक्यू के लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथ्स के लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं। मैथ्स बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है और डेफिनेटली मैथ्स और आईक्यू लेवल ये डिज़ाइन करता है कि हाँ आगे उस किसी भी एग्ज़ाम का जो उसने करियर अपना बनाया है, जो उसने सोचा है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो वो उसको डिसाइड करता है कि हाँ मैं इस लेवल पर हूं और मैंने इस टैलेंटेक्स एग्ज़ाम को देकर ये पाया है, अब मुझे कमिंग ईयर्स में इन एरियाज़ में मेहनत करनी है। पेरेंट डिसाइड कर पाता है कि हाँ मुझे अपने बच्चे को अगर साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में या क्लेट स्ट्रीम में डालना है तो उसके ये वीक एरियाज है और ये स्ट्रॉन्ग एरियाज है, इन पर फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनसे हमने बात की जिनका इस एग्ज़ाम देने के पीछे पर्पज ये था कि हमें एलन ज्वाइन करना है। डेफिनेटली देखिए, एलन पे ट्रस्ट तो समय के साथ साथ बढ़ ही रहा है और अभी भी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में 285,000 पैन इंडिया स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट का ट्रस्ट है। और जो बच्चा एलन से जुड़ा है, चाहे वो एलन से जुड़कर, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो सेलेक्ट नहीं भी होता वो एक बात कहता है कि एलन ने मेरे साथ पूरी मेहनत की, और यही भावना चूँकि पूरे देश में फैल रही है तो बच्चों का आत्मविश्वास और बच्चों का विश्वास एलन के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डेफिनेटली हम भी उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों के विश्वास पर खरे उतरें, जैसा बच्चा सोच रहा है वैसा हम काम करें। टैलेंटेक्स उसी की एक शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, जितना हमने स्टूडेंट से बात की, हमने सर से भी बात की, वाकई लगता है कि टैलेंटेक ऐसा एग्ज़ाम है जो आज के कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अपनी काबिलियत को पहचान सकते हैं और आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आप भी अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। टैलेंटेक्स, सक्सेस का अश्योरेंस।